अन्नदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और दो चार वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में किसी ने मेरी स्वाधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दी है, मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो। उसके लिए घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानदाता चक्रवर्ती राजा की प्राधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिला करके सारा होता है, सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। किसी वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चुनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आ गए, वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम गए एक दो चार वर्ष के बाद। तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई, तो उसने बताया, सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में ये लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, है किसी की पिलाया किसी की मां ने दूध, ये सैनिक भी एकाद अगर मुंह फटे तो। उसने ऋषि ने सोचा, राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का किए तो क्या, ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा, और गधा है वे, मतलब पंगा पा लिया। इन्होंने बोला, मन ये घोड़ा बांध लिया, रख बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के, जिसके नीचे तपस्या करे थे। सैनिकों ने बांध दिया। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। हाँ, मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर और माला फिर, क्यों मरे तू, बे आई मौत क्यों मर रहा है। उसने चुनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने घोड़ा हिम्मत की है आपका युद्ध ओटने की, और कल को दूसरा बकवाद करेगा राजन, निप द इवल इन द बट, बुराई को सट स्टार्ट में खत्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया, जाओ उस 72 करोड़ की 4 प्लाटून बना, 4 टुकड़ी कर ली, 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी चुनक ऋषि को। और चुनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि थे, एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कतलेआम मचा दिया, घड़ियों पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कतलेआम मचा दिया और वो खत्म हुई सिद्धि, वो तो जो निकल गया बाण वो बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी, ऋषि ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कतलेआम कर दिया। किसने, उस चुनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सचिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में, के 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। ओए ओए,
बैतरक सोनी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक मानदाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषि ऋषिश ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट, उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। बैतर अक्षोणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर वही सभी काल के वेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यहां अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में, जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिख संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है, ये दे धारे मौत फिर, ये संत नहीं ये मौत है, ये सभी काल के भेक, ये ब्रह्म के साधक ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेक, दे धारे जोरा फिर या मौत फिर चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको ऋषि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी जो साधना तपस्या की से राजा बनेगा, और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी वो बेड काउंट अलग से लिखा जाएगा, इसको फिर भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ओम नाम की साधना से ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर, फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं अपने अहम के कारण, दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुनक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन कर बदला लेंगे इसका। तो यहां कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई,